यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रह्मोस ए के ईआर वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, जिसको आज आईएफ ने टेस्ट फायर किया है। और ये जो टेस्ट फायरिंग कंडक्ट की गई है वो आईएफ के अभ्यास के टाइम पे कंडक्ट हुई है। अभ्यास के लिए जो एक नो फ्लाइंग जोन है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था, जहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ बनती है वो अप टू आप कह सकते हो 800 किलोमीटर तक बनती है, और जो पेरीमीटर है वो 2671 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये जो एरिया है वो अनाउंस किया गया था। यहाँ पे ब्रह्मोस के ईआर वेरिएंट की जो रेंज है वो किस रेंज में फायरिंग कंडक्ट हुई है वो प्रेस रिलीज में नहीं है, लेकिन जो पॉसिबल रेंज है वो 500 किलोमीटर से ऊपर भी हो सकती है, जिस तरह के यहाँ पे एरिया वार्निंग है। हालांकि कोऑर्डिनेट के इस तरह के शेप में और भी जो मिसाइल है वो भी फायर की गई होंगी अभ्यास में, तभी जो ऐसा शेप है नो फ्लाइंग जोन का वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल मेंशन है ब्रह्मोस ए के ईआर वेरिएंट की टेस्ट फायरिंग का वो आईएफ ने किया है। रेंज यहाँ पे प्रॉब्ली अप टू 500 किलोमीटर तक रहेगी, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है 500 किलोमीटर से ऊपर के टेस्ट फायरिंग की वो तब होगी जब यहाँ पे जो डेवलपर है और डीआरडीओ है वो इन्वॉल्व होगा। तो अभी जो टेस्ट फायरिंग है वो अभ्यास में कंडक्ट की गई है। ये ब्रह्मोस एक एंटीशिप वेरियंट है, जिसमें जो वॉरिड है और गाइडेंस है वो वेरी करते हैं सर्विस वेरियंट से। ब्रह्मोस ए लॉन्च के एंटीशिप वेरिएंट में टेस्ट फायरिंग के बाद जो मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है, ज्यादातर जो क्रूजिंग फेज है वहाँ पे मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो लो रहेगी, जो सी स्किमिंग ट्रेजेक्ट्री है वो रहेगी, जिससे कि जो एनमी का शिप है उसे ब्रह्मोस आते हुए ना दिखे। तो यहाँ पे दो तरह की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऑप्ट की जा सकती है ए लॉन्च वेरियंट के द्वारा। पहले में लॉन्च के बाद जो मिसाइल है वो तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर का जो ऑल्टी है वो गेन करेगा, और उस ऑल्टी पे 2.5 से 3 मार्क के बीच की जो वेलोसिटी है उस पे वो ट्रेवल करेगा। फिर वॉरशिप को हिट करने के लिए डाइव करेगा, जहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कंट्रोल्ड रहेगी, और डाइव करने के बाद शिप के रडार से बचते हुए एक लोअर ट्रेजेक्ट्री को पकड़ के वो वॉरशिप को हिट करेगा। तो ये पहला केस है जहाँ पे एयरक्राफ्ट और जो टारगेट वॉरशिप है उनके बीच में जो दूरी है वो काफी लंबी है, तो वहाँ पे ये ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। जो दूसरा केस बनता है जहाँ पे टारगेट और एयरक्राफ्ट के बीच में जो दूरी है वो काफी कम है, तो उस केस में लॉन्च के बाद मिसाइल तुरंत ही डाइव इन करेगा और लो अल्टी पर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए एंड गेम में होमिंग टूस डाइव करता हुआ टारगेट को हिट करेगा। अगेन जिस तरह का नो टैम था, तो प्रॉब्ली सारी चीजें टेस्ट फायर की गई होंगी उस एरिया में मिसाइल को मनूवर करके। ब्रह्मोस की बात करोगे तो हाईली रिलायबल ये सिस्टम है, और कहीं ना कहीं वॉर के टाइम पे जो कोलैटरल डैमेज है एनमी का वो कम करेगा, जिससे कि वॉर के एस्केलेट होने की जो संभावनाएं हैं उसको भी कंट्रोल में रखेगा। तो यहाँ पे मेरे ओपिनियन में जो टेस्ट फायरिंग है वो 500 किलोमीटर रेंज की ही हुई होगी, लेकिन यहाँ पर नो टाइम को देख के ये इंडिकेशन थे कि प्रॉब्ली जो रेंज होगी वो अप टू 800 किलोमीटर तक भी हो, जिसको अभी ओपन सोर्स में अनाउंस ना किया जा रहा हो। तो ये भी जो पॉसिबिलिटी है वो लोग काउंट कर रहे हैं। यहीं पे हम बात करेंगे S-400 के बारे में, जिसका जो थर्ड स्क्वाड्रन है उसकी डिलीवरी जनवरी से की जाएगी रूस के द्वारा, और डिलीवरी को रेगुलेट करने के लिए जो इंडियन ऑफिशियल है वो ऑलरेडी रूस पहुंच चुके हैं। तो जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के पहले वीक में जो डिलीवरी है वो थर्ड स्क्वाड्रन की कर दी जाएगी। जो शुरू के दो स्क्वाड्रन है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। अनुमानित तौर पर जो एरिया है वो एक LOC के अराउंड है, जो सेकेंड है वो LSE को कवर करता है। सो एक ऐसे समय में जहाँ पे रूस की जो रिक्वायरमेंट है आर्मरी की और वेपन की वो खुद ही ज्यादा है, और वहाँ पे भी जो सप्लाई है टाइमलाइन है वो मेंटेन किया जा रहा है रूस के द्वारा। 2018-19 में जो डील है वो साइन की गई थी 5 स्क्वाड्रन की, जिसके लिए जो करार है वो 35,000 करोड़ का था। उम्मीद यहाँ पे ये है कि 2023 के अंत तक जो डिलीवरी है वो सभी स्क्वाड्रन की कर दी जाएगी। यहाँ पे मिसाइल के डिप्लॉयमेंट को लेके ये उम्मीदें हैं कि जो आपका पूरा LSE है वो प्रॉपरली इसके रेंज में रहेगा, और जो डिलीवरी की जा रही है रूस के द्वारा वो समुद्र रूट से और एयर रूट से दोनों चीजों से की जा रही है। जो भी सिस्टम में वेरियस इक्विपमेंट है उन सभी की जो सप्लाई है, AK-203 को मैन्युफैक्चर करने के लिए इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी सप्लाई भी की जा रही है। वो जो इंफ्रा है वो अभी सेटअप किया जा रहा है, तो जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है AK-203 की वो भी आपको जनवरी फरवरी में दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।